नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। मैंने कुछ दिनों पहले आपको ओशो की कुछ कहानियां सुनाई थी। एक एपिसोड बनाया था जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जरूर देख लें अगर अब तक नहीं देखा है तो। वो एपिसोड बनाते हुए मेरे मन में एक दुविधा थी कि कितने लोग ओशो की कहानियां सुनना चाहेंगे। इस दुविधा का कारण था ओशो के बारे में फैली हुई तमाम तरह की सच्ची झूठी बातें। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओशो को सिर्फ नेटफ्लिक्स पर दिखाई गई सीरीज वाइल्ड वाइल्ड कंट्री से जानते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। इंसान का दिमाग बड़े बड़े खेल खेलता रहता है, इसे ड्रामा चाहिए, और ओशो की जिंदगी में ड्रामा भरपूर था। तो हमने क्या किया, हम उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज पर ठहर गए क्योंकि वहीं हमें ड्रामा मिल रहा था, कन्फ्लिक्ट मिल रहा था। अगर विवादों के शहर से हम थोड़ा आगे बढ़ पाते तो हमें अध्यात्म की पहाड़ियां और ज्ञान के घने जंगल मिल जाते, जिंदगी जीने के ऐसे ऐसे सूत्र मिल जाते जो हमारी सोच को रातों रात बदल देते, और सोच बदल गई तो पूरा जीवन बदल जाता है। आप सोच रहे होंगे क्यों सुने ओशो को, रीजन क्या है? इस क्यों का जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन यह जवाब एक सवाल में छुपा है। एक जिंदगी में आप कितनी किताबें पढ़ सकते हैं, सोच के बताइए, एक नंबर तय कीजिए। 200 किताबें, 400 किताबें, अगर बहुत बड़े अध्येता हुए तो 500, 600, चलिए मान लिया 1000 किताबें आप एक जिंदगी में पढ़ सकते हैं। ओशो ने 1,00,000 से ज्यादा किताबें पढ़ी थी, और जब आप ओशो को सुनते हैं तो 1,00,000 किताबों का निचोड़ सुन रहे होते हैं जो प्राइसलेस है। मेरी ये दुविधा कि मैं ओशो पर सीरीज बनाऊं या ना बनाऊं उस दिन खत्म हो गई जब मैंने अपनी जिंदगी की तरफ पलट के देखा। मुझे ओशो की बातों से, उनकी कहानियों से प्रैक्टिकली बहुत फायदा हुआ है। स्ट्रगल के दिनों में ये कहानियां मुझे हिम्मत देती रहीं। काम मिलना शुरू हुआ तो पता चला कि टैलेंट ही नहीं, इस इंडस्ट्री में टेम्परामेंट की भी बहुत जरूरत है, और ये टेम्परामेंट मुझे ओशो की कहानियों से मिला। थोड़ी बहुत कामयाबी मिली तो डर था कहीं मुंबई का मनोज मुंतशिर अमेठी गौरीगंज के उस लड़के को हमेशा के लिए निगल न जाए जो बस में विंडो सीट मिलने पर इतना खुश होता था जैसे पूरी दुनिया की दौलत मिल गई हो। मेरी दुविधा का उत्तर ये था कि जिस चीज ने मुझे नर्चर किया, मुझे लाभ पहुंचाया, मेरे अंदर का बच्चा जिंदा रखा, मेरे अंदर की इनसेंस जिंदा रखी, मुझे एक बेहतर इंसान बनाया, उसे आपके साथ बांटना मेरा कर्तव्य है और मैं ये जरूर करूंगा। एक और बात, मैं बिल्कुल ये कोशिश नहीं कर रहा हूं कि आप ओशो के फॉलोअर बन जाएं, क्योंकि मैं खुद ओशो का फॉलोअर नहीं हूं, लेकिन जो कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा वो ध्यान से सुने, पता नहीं कौन सी कहानी आपके जीवन की दशा और दिशा बदल दे। बहुत समय पहले की बात है, गंगा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा पूरे वेग से बह रही थी कि अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आके गिर गए। एक पत्ता आड़ा गिरा, थोड़ा तिरछा, और एक सीधा। जो पत्ता आड़ा गिरा था वो जिद पे अड़ गया, कहने लगा आज चाहे जो हो जाए मैं इस नदी को रोक के ही रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, अब तू और आगे नहीं बढ़ सकती, मैं तुझे यहीं रोक दूंगा। पर नदी तो बढ़ती ही जा रही थी, उसे तो पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। इधर पत्ते की जान पे बनाई थी, वो लगातार संघर्ष कर रहा था, नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वहीं पहुंचेगा जहां लड़कर थक कर हार कर पहुंचेगा। पर अब और तब के बीच का समय उसके दुख का, उसके संताप का समय बन चुका था। वहीं दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था वो तो नदी के प्रवाह के साथ बड़े मजे से बहता चला जा रहा था। चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे गंतव्य तक पहुंचा के ही दम लूंगा, चाहे जो हो जाए मैं तेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा, तुझे सागर तक पहुंचा के ही मानूंगा। नदी को इस पत्ते का भी कुछ पता नहीं है, वो तो अपनी धुन में सागर की ओर बढ़ती जा रही है। लेकिन पत्ता खुश है, आनंदित है, वो तो यही समझ रहा है कि वही नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा है।
आड़े पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी नहीं जानता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या ना दे, नदी तो वहीं पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके सुख का, उसके आनंद का समय बन चुका था। जो पत्ता नदी से लड़ रहा है, उसे रोक रहा है, उसकी जीत का कोई उपाय संभव नहीं है। और जो पत्ता नदी को बहाए जा रहा है, उसकी हार का कोई उपाय संभव नहीं है। ओशो कहना चाहते हैं कि जिस दिन हम कॉन्फ्लिक्ट छोड़ देते हैं, उसी दिन खुशियां हमारा पता ढूंढ लेती हैं। ये जो निरंतर हम लड़े जा रहे हैं हर चीज से, दुनिया से, प्रकृति से, समय से, यही हमारी खुशी में सबसे बड़ी बाधा है। एक बार लड़ना छोड़ के देखिए, जीना शुरू हो जाएगा। और लड़ना छोड़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने सपनों के लिए संघर्ष करना छोड़ दें। बस उन चीजों पर अपनी ऊर्जा और अपना समय बर्बाद ना करें जिन्हें आप बदल ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को बदलने की कोशिश ना करें, खुद को बदल लें। एक ही जिंदगी है आपके पास, बहुत लिमिटेड टाइम है। अपनी प्रायोरिटीज तय कर लें। हर लड़ाई में कूद पड़े तो कोई लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। चूज योर बैटल्स। मैंने अपनी लड़ाई 20 साल की उम्र में चूज कर ली थी। लिखना है बस, और कुछ भी नहीं। अपनी सारी ऊर्जा मैंने एक ही दिशा में लगाई। जहां भी पहुंचा हूं मैं खुश हूं। उस पत्ते की तरह हूं जिसने हर बहती हुई धारा से जंग नहीं छेड़ी, एक ही लड़ाई लड़ी और जीती। सफलता का सबसे अचूक मंत्र क्या है? कौन सा फॉर्मूला है जिससे हमें यह गारंटी मिल सकती है कि हम कभी कभी किसी हालत में फेल ना हों? जानना चाहते हैं तो अगली कहानी सुनिए। कोई 1500 साल पहले की बात है। चाइना के सम्राट ने सारे राज्य के चित्रकारों को खबर की कि वो राज्य की मुहर बनाना चाहता है, द सिग्नेट स्टैंप। मुहर पर क्या बना होगा? एक बांग देता हुआ, बोलता हुआ मुर्गा। जो चित्रकार सबसे जीवंत चित्र बनाकर लाएगा वो पुरस्कृत भी होगा, राज्य का कला गुरु भी नियुक्त हो जाएगा। एक बहुत बड़े इनाम की घोषणा कर दी गई। देश के दूर दूर कोने से बड़े बड़े चित्रकार बोलते हुए मुर्गे का चित्र बनाकर राजधानी में आए। लेकिन अब ये कौन तय करेगा कि कौन सा चित्र सबसे सुंदर है? हजारों चित्र आए थे। राजधानी में एक बूढ़ा कलाकार था। सम्राट ने उसे बुलाया कि वो चुनाव करे कौन सा चित्र सबसे बढ़िया बना है, सबसे श्रेष्ठ बना है, वही राज्य की मुहर पर जाएगा। उस चित्रकार ने उन हजारों चित्रों को एक बड़े भवन में बंद कर लिया और स्वयं भी उसी भवन के भीतर बंद हो गया। शाम होते होते उसने खबर दी कि एक भी चित्र ठीक नहीं बना है, सब गड़बड़ है। एक से एक सुंदर चित्र आए थे, बड़े बड़े कलाकारों ने बनाए थे। सम्राट स्वयं देखकर दंग रह गया था। लेकिन उस बूढ़े चित्रकार ने कहा, कोई भी चित्र योग्य नहीं है, सब बेकार है। राजा हैरान हुआ। उसने कहा, तुम्हारे मापदंड क्या है, स्केल्स क्या है, तुम्हारी क्राइटेरिया क्या है, तुमने ये कैसे निर्णय कर लिया कि एक भी चित्र ठीक नहीं है? बूढ़ा बोला, मापदंड एक ही हो सकता है महाराज, और वो ये है कि इन चित्रों के पास मैं एक जिंदा मुर्गे को ले गया और उस मुर्गे ने उन चित्रों वाले मुर्गे को पहचाना भी नहीं, फिक्र भी नहीं की, चिंता भी नहीं की। अगर चित्र वाला मुर्गा जीवंत होता तो वो मुर्गा जो मैं लाया था वो घबराता या बांग देता या डर के भागता या लड़ने को तैयार हो जाता। लेकिन उसने बिल्कुल उपेक्षा की, उन चित्रों की तरफ देखा भी नहीं। बस एक ही क्राइटेरिया, एक ही स्केल, एक ही मापदंड हो सकता था, वो मैंने प्रयोग कर लिया। मेरे मुर्गे ने किसी भी चित्र के मुर्गे को पहचाना नहीं। सम्राट ने कहा, यह तो बड़ी मुसीबत हो गई। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि एक मुर्गा तय करेगा कि कौन सा चित्र सही है, कौन सा गलत। बूढ़ा बोला, किसी और का तय करना उचित भी नहीं है महाराज। चित्र में बना हुआ मुर्गा कितना जीवंत है, ये तो जिंदा मुर्गा ही तय कर सकता है। राजा ने कहा, फिर अब तुम ही चित्र बनाओ। उस बूढ़े ने कहा, बड़ा कठिन काम है, इस बुढ़ापे में मुर्गे का चित्र बनाना बड़ा मुश्किल है। सम्राट ने कहा, तुम इतने बड़े कलाकार हो, एक मुर्गे का चित्र नहीं बना पाओगे। बूढ़े ने मन ही मन कुछ सोचा, कुछ निश्चय किया और बोला, कम से कम 3 वर्ष लग जाएंगे, पता नहीं मैं तब तक जीवित बचूं या नहीं। खैर, 3 वर्ष के लिए राजधानी की तरफ से व्यवस्था कर दी गई और वो बूढ़ा एक जंगल में चला गया।
छह महीने बाद राजा ने लोगों को भेजा कि पता लगाओ उस पागल का हुआ क्या, वो कर क्या रहा है। लोग गए, वो बूढ़ा जंगली मुर्गों के पास बैठा हुआ था। एक वर्ष बीत गया, फिर लोग भेजे गए। पहली बार जब लोग आए थे तब तो उस बूढ़े चित्रकार ने उनको पहचान भी लिया था कि मेरे मित्र हैं, राजधानी से आए हैं, राजा ने भेजे हैं। लेकिन जब ये लोग दोबारा आए तो उस बूढ़े ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, बस मुर्गों के पास एकाग्र बैठा रहा। दो वर्ष बीत गए, तीन वर्ष बीत गए, राजा ने लोग भेजे कि अब तो समय पूरा हो गया, चित्रकार को बुला लाओ, शायद चित्र भी बन गया हो। जब वह गए तो उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा तो खुद मुर्गा हो चुका है। वो मुर्गे जैसी आवाज निकाल रहा है, मुर्गों के बीच बैठा हुआ है, मुर्गे उसके आसपास बैठे हुए हैं। वो उस बूढ़े को उठाकर लाए, राजधानी में पहुंचे, दरबार में पहुंचे। राजा ने पूछा बूढ़े से, चित्र कहां है? बूढ़े ने मुर्गे की आवाज में बोला, कुकड़ू कू। राजा ने कहा, पागल, मुझे मुर्गा नहीं चाहिए, मुर्गे का चित्र चाहिए, तुम तो खुद ही मुर्गे होके आ गए, चित्र कहां है? बूढ़े ने कहा, महाराज चित्र तो अभी बन जाएगा, सामान मंगवा लें, कैनवस पेंट ब्रश वगैरह, मैं चित्र बना दूंगा। और उसने पलक झपकते ही मुर्गे का चित्र बना दिया। चित्र अद्भुत बना था, लेकिन राजा ने कहा, तुम्हारे लिए भी परीक्षा के मापदंड वही होने चाहिए जो तुमने दूसरों के लिए रखे थे, असली मुर्गा मंगवाया जाए। मंगवाया गया, मुर्गा आया, और जैसे ही उसकी नजर चित्र में बने हुए मुर्गे पर पड़ी, वह घबरा गया, कुकड़ू कू चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर भाग गया। राजा ने कहा, क्या जादू किया है इस चित्र में तुमने? उस बूढ़े ने कहा, पहले मुझे मुर्गा हो जाना जरूरी था, तभी मैं मुर्गे का चित्र निर्मित कर सकता था। मुझे मुर्गे को भीतर से जानना पड़ा कि वो होता क्या है, और जब तक मैं आत्मसात ना हो जाऊं, मुर्गे के साथ एक ना हो जाऊं, तब तक कैसे जान सकता हूं कि मुर्गा भीतर से क्या है, उसकी आत्मा अंदर से क्या है। कामयाबी का इससे बड़ा और इससे असरदार मंत्र मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुना। अगर हमारे एस्पिरेशंस, हमारे सपने, हमारे लक्ष्य और हम, ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो सफलता की संभावनाएं बहुत कम है। मैं व्यक्तिगत अपना उदाहरण देता हूं। अगर मैं ये सोचता कि एक फिल्म है केसरी, जिसमें एक सिचुएशन है जहां 21 सिख सिपाही पूरी दिलेरी से लड़ते हुए शहीद हो गए, तो भी मैं गीत लिख ही लेता, और वो गीत अच्छा भी होता, ठीक भी होता, क्योंकि एक खास स्टैंडर्ड के नीचे का गीत तो मैं लिखूंगा नहीं। लेकिन हुआ क्या, मैंने एक राइटर की तरह शब्द बुनने की जगह एक सिपाही की तरह सोचना शुरू किया। मैंने सोचा कि वो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, और दुश्मन की गोली मुझे लगी है, मेरे शरीर से खून बह रहा है, और धीरे धीरे मुझसे मेरी दुनिया छूटी जा रही है। क्या क्या छूट रहा है मुझसे? सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहां लौट के वापस जा न सका। और क्या छूट रहा है? वो लड़की जिस पे मैं जान देता था, उसके लिए जाते जाते मेरे दिल से दुआ निकल रही है। ओ हीर मेरी, तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पर, कभी उसका उजाला कम ना हो। वो माँ छूट रही है मुझसे, जो मुझे चांद कहा करती थी। ओ माही मेरी, क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है। मैंने अपनी सिचुएशन और अपने बीच का अंतर मिटा दिया। मुर्गे का चित्र बनाना था तो मैं खुद मुर्गा हो गया, शायद इसीलिए तेरी मिट्टी जैसा गीत लिख पाया। ये सिर्फ मेरा नहीं, दुनिया के हर उस इंसान का तजुर्बा है जो अपनी फील्ड में कुछ बड़ा कर पाने में सफल हुआ। ब्रूस ली, दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट, उनका वो स्टेटमेंट तो आपने शायद सुना ही होगा, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन हु नोज 1000 मूव्स, बट आई एम सर्टेनली अफ्रेड ऑफ द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन मूव फॉर 1000 टाइम्स। ये प्रैक्टिस क्या है? ये कोशिश है मुर्गा हो जाने की। आप भी शुरू कीजिए ये कोशिश, मेरा दावा है कामयाबी ज्यादा दिन आपसे दूर नहीं रह पाएगी। अगले हफ्ते बुद्ध पूर्णिमा है, और ओशो ने बुद्ध पर जो व्याख्यान दिए हैं वो अनमोल हैं। 26 मई हम ओशो की जुबानी बुद्ध को सुनेंगे। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।